दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी ने सभी सांप्रदायिक एजेंडों को आगे रखा और अरविंद केजरीवाल ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रिट्वीट करते हुए लिखा, चौंकाने वाला, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? मतदान के कई घंटे बाद भी उन्होंने मतदान के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए? बहराइच में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी को झूठी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी और टेम्परेरी डीजीपी के साथ 300 विधायक नाराज चल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे खराब कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पीएम के सूर्य नमस्कार वाले बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगारों के लिए भी पीएम कोई आसन बता दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। आज माघी पूर्णिमा है जिसे लेकर बड़ी संख्या में लोग नदियों में डुबकी लगाई। प्रतापगढ़ के काला कांकर घाट में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सीएम योगी दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 561 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय का भी शिलान्यास किया। सीएम योगी दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। गोरखपुर पहुंचने पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने आरोग्य स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इसके बाद 6 बच्चों का अन्नप्राशन भी करवाया। वहीं 6 महिलाओं की गोद भराई की रस्म को भी पूरा किया। गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के लिए रोजगार की योजना सरकार बना रही है। यूपी में विकास और रोजगार दोनों पर सरकार काम करेगी। गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेला और नियुक्ति पत्र बांटकर समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची। गुरु रविदास जी की जयंती समारोह में वो शामिल हुई। महासचिव बनने के बाद वाराणसी में उनका ये 5वां दौरा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट गठन के बाद मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को 2 करोड़ रुपए मिले हैं। मंदिर निर्माण के लिए ये रकम महावीर मंदिर पटना की तरफ से दी गई। हालांकि महावीर मंदिर पटना की तरफ से दी जाने वाली राशि की ये पहली किश्त है। मंदिर कुल 10 करोड़ रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए दान देगा। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भूमि पूजन कर कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैसिलिटी का शिलान्यास किया। 2021 में होने वाले नेशनल गेम्स की मेजबानी उत्तराखंड करने जा रहा है। इस राष्ट्रीय खेल महाकुंभ को सफल बनाने के लिए कमेटी तैयार की जा रही है। कमेटी बनाने के लिए पहली बैठक 11 फरवरी को देहरादून में की जाएगी। बीएसपी प्रमुख ने बीजेपी और सपा पर प्रेस रिलीज के जरिए निशाना साधा। संत रविदास जयंती के बहाने साधा निशाना। उन्होंने कहा कि रविदास के संदेश को वर्तमान शासक भूल चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम पुलिस प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षकों को उन्होंने संबोधित किया। दिए नकल विहीन ढंग से परीक्षाएं संचालित करने के निर्देश। कौशाम्बी के एसडीएम चायल ज्योति मौर्य को धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मच गया। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे ने यह पत्र लिखा। पत्र में विवादित जमीन पर 10 फरवरी तक कब्जा न दिलाने पर अंतिम दिनों का इंतजार करने की धमकी दी गई है। ललितपुर में एक हिंदूवादी नेता के घर के बाहर पोस्टर चिपकाया गया, जिसमें उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई। नेता ने थाने में मामला दर्ज कर सुरक्षा की गुहार लगाई। मेरठ पहुंची प्रयागराज की भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने दिल्ली की बदहाली के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की विकासकारी योजनाओं को अपने प्रदेश में लागू ही नहीं होने दिया। रामपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहीं किसानों की समस्याओं को लेकर विशेष अभियान चलाने की बात कही। आगरा के रहने वाले शहीद परवेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर आगरा पहुंचा। शहीद के लिए अंतिम दर्शनों के लिए ग्वालियर हाईवे पर हजारों लोग उमड़े। विशाखापट्टनम में शहीद हुए परवेंद्र सिंह भारतीय नेवी में तैनात थे।
कानपुर में पद्मश्री गिरिराज किशोर का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से उनका ये निधन हुआ। पद्मश्री गिरिराज किशोर जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार थे। उन्होंने गिरमिटिया समेत कई पुस्तकें लिखी थी। कोरोना को लेकर हरदोई प्रशासन मुस्तैद। चीन से आए लोगों पर रखी जा रही नजर। जिला अस्पताल में बनाया गया है आइसोलेशन वार्ड। पौड़ी जिले में कोरोना वायरस के संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। पौड़ी जिले में 12 संदिग्धों की पहचान की गई है। महाराजगंज के गांव में एक तेंदुआ घुस गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से तेंदुए को पहले जाल में फंसाया, उसके बाद पिंजरे में कैद कर दिया। कोरिया, जापान, थाईलैंड, चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया के पर्यटक बुद्ध परिपथ के प्रमुख क्षेत्र संकिसा में पूजा अर्चना के लिए आते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे के चलते पर्यटकों ने फिलहाल यहां आना बंद कर दिया है। कोरोना वायरस के चलते बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा में पर्यटकों की संख्या तेजी से घट रही है। कन्नौज गौशालाओं में भूख प्यास से गायों की मौत हो रही है। ठंड लगने की वजह से गौशाला में गायों की मौत हो रही है। मरे गौवंशों को कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में एसएसपी के आदेश पर गैंगरेप पीड़िता की 13 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता का अभी तक मेडिकल नहीं हो पाया है। कासगंज के जिला हॉस्पिटल में आज 18 साल की रेप पीड़िता की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जबकि बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। वहीं मृतका के परिजनों ने जिला अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मेरठ की रहने वाली एक महिला ने अपने ही पति पर अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। बकायदा पीड़ित महिला अपनी बेटी और बेटे को साथ लेकर पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। यूपी के पीलीभीत में जिले में दरअसल ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, जहां मृतका पिंकी का प्रेम प्रसंग गांव के ही राजेश के साथ पिछले 2 साल से था, जिसके चलते मृतका के भाई राजेश ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महोबा के जेल में बीमार हुए कई कैदी, सभी कैदियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। कैदियों ने की पेट और सीने में दर्द होने की शिकायत। कानपुर के चकेरी इलाके में एक रेस्टोरेंट में दबंगों ने मचाया उत्पात। गाने में डांस को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दबंगों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की मारपीट की। मेरठ में सगाई की रस्म में फायरिंग होने से युवक को गोली लग गई। घायल युवक को कराया गया केएमसी में भर्ती। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लोनी बॉर्डर क्षेत्र में हुई सलीम की हत्या का पुलिस ने 3 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। कब्जे में दरअसल हत्या इस्तेमाल किए गए हैं। पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। लखनऊ में 24 घंटे के अंदर पुलिस और बदमाशों में एक और मुठभेड़ हुई। सीतापुर के 10,000 के इनामी बदमाश गोलू समेत मोहम्मद नदीम और मोहम्मद एजाज को भी गिरफ्तार किया गया। उधम सिंह नगर में देर शाम एक नाई की दुकान में नशे की हालत में गोली चला दी गई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई। युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक को उपचार के लिए फिर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गौना में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। तस्कर कार से कच्ची शराब की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने 450 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार के कारण बड़ा हादसा हो गया, जहां 24 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें सवार 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। महिला और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। गाजियाबाद में हुए सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने 3 को कुचल दिया। महिला ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीतापुर के फैक्ट्री में गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत वाले मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इस मामले में पुलिस ने बैक टू बैक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बदायूं की तहसील बेलसी में शादी समारोह के दौरान ही दूल्हा गायब हो गया। दरअसल युवक अपनी शादी से 3 दिन पहले अचानक गायब हो गया। उसके गायब होने की सूचना परिजनों ने इसको काफी तलाशने के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को दी। भदोही
क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के माता पिता ने आज की जीत के लिए विशेष पूजा आयोजन किया। मंदिर में जाकर यशस्वी के माता पिता ने टीम की जीत के लिए पूजा की और ईश्वर से बेटे और टीम की जीत के लिए प्रार्थना की। लखनऊ में बदमाशों ने बंदूक के बल पर युवक का अपहरण कर लिया, इसके बाद जंगलों में ले जाकर बेरहमी से बेल्ट से भी पीटा। पीकेटी थाने में पीड़ित सौरभ रावत ने तहरीर दी है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुरादाबाद में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवाहिता की शादी महज 3 साल पहले हो गई थी। थाना क्षेत्र के मोहल्ला सादात में हुई थी। विवाहिता के परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही उससे दहेज की मांग को लेकर मारपीट की जाने शुरू कर दी थी। झांसी में मां बेटे की मौत से कोहराम मच गया। शनिवार की रात हुई मां की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए बेटे की खोजबीन हो रही थी, लेकिन अगली ही सुबह बेटे का शव भी मिल गया। लखीमपुर खीरी सीमेंट से भरे यहां ट्रक में आग लग गई। ट्रक में मौजूद ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। ये मामला पीलीभीत बस्ती मार्ग का है। अमीरपुर में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रक बेकाबू होकर पलट गया और ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आग लगने से ड्राइवर की जलकर मौत हो गई, जबकि कंडक्टर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। आगरा के ताजगंज में बीच सड़क पर धू धू कर जली कार, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। नैनीताल जिला प्रशासन ने स्वरोजगार के लिए एक सराहनीय पहल की है। नैनीताल जिले के पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ी उत्पादों को सरस बाजार के माध्यम से बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इस बाजार में पहाड़ी उत्पादों को बिक्री के लिए रखा जाएगा। शाहजहांपुर का 105 साल पुराना बंद पड़ा ओवरब्रिज अब 100 से ज्यादा गरीब परिवारों के लिए रोजी रोटी का साधन बनेगा। बंद हो चुके ओवरब्रिज को दरअसल नगर निगम सिटी की सबसे आदर्श सब्जी मंडी के रूप में तैयार करने जा रही है।